जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अपने बड़ों का आशीर्वाद लेके आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे और हमारी वीडियो को देखने के लिए आ गए होंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। और आज की वीडियो में बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, स्पेशल वीडियो है, कहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सुबह का टाइम है और 9 बज गए हैं सुबह के। खाना हमारा बन रहा है सब्जी चावल और हम यहाँ पे कपड़ा धोने लगे हैं। जो डेली का कपड़ा था एक बारी धो के हम छत पे फैला दिए हैं, दोबारा से धो रहे हैं। तो ये वाली साड़ी हमने पहनी थी जिस दिन हम शुक्रवार का व्रत थे और उद्यापन किए थे, तो ये लाल साड़ी हमने उसी में पहनी थी। तो इसको धो रहे हैं और आज हम कहीं जाने वाले हैं रात के टाइम, शाम के 6-7 बजे के टाइम, या फिर पहले भी जा सकते हैं, देखते हैं जैसे टाइम मिलेगा वैसे जाएंगे। तो ये वाली साड़ी पहन के हम जाने के लिए सोच रहे हैं, तो इसलिए हम इसको धो रहे हैं। उद्यापन के दिन हमने पहना था ये साड़ी तो ये जूठी हो गई थी, तो इसको धोना है। इसका ब्लाउज अभी हमने नहीं सिला है और ये साड़ी मम्मी के यहाँ से आई थी, आप सबको हमने दिखाया भी था। तो इसमें ये गोल्डन वाला ब्लाउज हम पहन कर जाएंगे जो इस साड़ी के साथ अच्छे से चलता है। और ये काली वाली साड़ी रखी रह गई थी, मम्मी के यहाँ गए थे इसको पहन के, तो ये भी नहीं धोई थी, ऐसे ही टांग दिया था हमने उतार करके। तो सबको धो करके रख देंगे और अभी हमें खेत के लिए जाना है। अभी अभी सब्जी चावल बन गया है, थोड़ी सी हमने रोटी भी सेक ली है। सब्जी तो अभी गैस पे ही चाहिए, सिलो आंच करके हमने रख दिया है और जाने वाले खेत, क्योंकि वहाँ पे पशुओं के लिए चारा काटा जा रहा है। ट्रैक्टर बुलवाया गया है, मां के पापा पहुँच गए हैं खेत में। और आप सभी को पता है जब ट्रैक्टर बुलवाते हैं तो थोड़ा बहुत चारा कटते नहीं हैं, ढेर सारे चारा काटने पड़ते हैं। तो वो वहीं पे गए हैं, हम भी जाने वाले हैं, बस कपड़े धो के फैला के फटाफट से वहां के लिए निकल जाएंगे। और 2-3 मोजे भी हमारे जो हमने निकाल रखे थे उनको भी धो लिया है और इन सबको सुखा करके अब रख देंगे, क्योंकि पैरों में अब सॉक्स वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुबह कभी कभी स्वेटर भी नहीं पहनते, पर कभी कभी पहनना पड़ता है जब हवा चल रही है तेज़। तो और ये जो झाल देख रहे हैं पन्नी पे आपने, हम जो फैला रहे हैं ये है गेहूँ, तो इसको हमने परसों धुला था। तो कल मम्मी के यहाँ चले गए थे, ऐसे ही इकट्ठा करके रख के चले गए थे, फैलाना भूल गए थे, तो ये सूखा नहीं है। तो आज इसको सुबह से ही फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए। और अभी यही पे है, और जब मम्मी के यहाँ हम चले गए तो वहाँ से फ़ोन करके हमने कहा था माही से कि बेटा फैला दो, क्योंकि बच्चे तो घर में ही थे लेकिन बच्चे फिर उतना ठीक से नहीं कर पाते। मैंने कहा था खोल दो, थोड़ी सी धूप लग जाए। वैसे तो सूख गया है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा धूप दिखा करके इसे फटक देंगे और चक्की पे आटा पीसने के लिए भिजवा देंगे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? हाँ मामा जा रही है खेत, चलोगे आप? चलोगे? चलो फिर। गई थी अभी इचूल गई थी, ट्यूशन गई थी, ट्यूशन गई थी। अच्छा मानसी, वो माही दीदी और सोना आ गई ना? अच्छा चलो नमस्ते करो। नमस्ते मेरे मामा, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें आगे बढ़ाइए, हमारी मामी का आगे बढ़ाइए। बाय। सो मानसी क्या हुआ? हाँ माही दीदी चाय नहीं पी के गई थी ना, आप लोग तो गए थे पी के। तो खेत जाने वाले थे दोस्तों, लेकिन अभी हम जो है खेत नहीं गए हैं, सोच रहे ये वाला काम मिट्टी का जो है इसको करके ही जाएंगे, क्योंकि आज हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। बिल्कुल लगातार हम काम करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, बिल्कुल मशीन की तरह, कहीं पे भी हमने ब्रेक नहीं लिया है, ना ही हमने रेस्ट लिया है। तो क्योंकि आज हमें जाना है बुआ के यहाँ, और भाई के बेटे का बर्थडे है, यानी कि बुआ के पोते का बर्थडे है, तो वहीं पे हमें जाना है। और हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 5-10 मिनट का ही रास्ता है, तो हमारे बगल में ही है दीदी का घर, तो वहीं पे हमें जाना है। लेकिन हम शाम के टाइम पे जाएंगे, तो इसलिए लगातार काम करते जा रहे हैं,
क्योंकि इन सारे कामों को हमें जल्दी जल्दी से ख़त्म भी करना है और अभी शादी करीब में आ रही है तो हमें शादी में भी 2-3 दिन दौड़ भाग कर जाना आना जाना पड़ेगा। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि जितना भी काम मिट्टी का है वो हम निपटा देते हैं। और ये जो काम है ना मिट्टी का, इसमें टाइम लग जाता है इसको करने में, तो कुछ वो नहीं रहता है कितना टाइम लग जाए। इसलिए हमने खाना पीना बना करके, बर्तन वगैरह साफ़ करके और झाड़ू पोछा करके, पूरी साफ़ सफाई करके तब हम यहाँ पे आए हैं दोपहर, यानी कि जब हमारे लेटने बैठने का टाइम होता है ना उसी टाइम हम यहाँ पे आ गए हैं ये मिट्टी लगाने के लिए। और दादी नहीं है तो जो हमारे देवर जी की शादी है ना, और दादी वहाँ पे जा चुकी हैं, सिर्फ बाबा हैं। तो बाबा को हमने खाना दे दिया है, बाबू को खा पी लिए हैं, आराम से लेटे हुए हैं। और हम यहाँ पे ईंट जो हटाए हैं अभी, तो दादी बस ऐसे ईंट रख दी थी टेम्परेरी काम कर, बस ऐसे ही। तो हम इसको अच्छे से बना देंगे, मिट्टी लगा देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे खुदाई कर रहे हैं जितने भी ईंट रखा हुआ था, और बार बार ईंट उठा करके हम इसकी चौड़ाई और लंबाई नाप रहे हैं। तो 3 ईंट रख करके इसकी हम लंबाई बनाएंगे। तो और पहले नीचे थोड़ा सा हमें खोदना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट ईंट ऊपर रख देंगे तो फिर गिर जाएगी दीवार, इसीलिए इस तरह से हमने बना दिया। देखिए ये बार 2 ईंट हमने इस तरह से सेट कर दिए हैं। हमारी एक सिस्टर हैं जिनका नाम है शोभा, तो उन्होंने कल की वीडियो में कमेंट किया था और बोला था कि दीदी आप जो है वो बोरा, सूती जो बोरा है वो मत यूज़ किया कीजिए, सुहागिन औरतें नहीं यूज़ करती हैं। तो आपने ऐसा क्यों कहा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आज तक कभी हमको किसी ने टोका ही नहीं और ना ही कभी किसी ने बताया। तो हमारे घरों में यूज़ होता है हमेशा से, और बहुत सारे सामान भी रखे जाते हैं बोरे में, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन शायद आप किसी वजह से कह रही हैं जो मैं समझ रही हूँ कि सुहागिन औरतों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए सुहागिन औरतों को ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए, पर कोई नहीं मानता है। और मतलब बहुत बहुत जो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें टोकते हैं, मना करते हैं, तो उन चीज़ों को हम ज़रूर अमल करते हैं, सुनते हैं और उन्हें मानना भी चाहिए। लेकिन आज तक हमने कभी ये सब सुना नहीं, आपने कहा है तो हम ज़रूर अपने घर के बड़ों से पूछेंगे। और आपको ढेर सारा थैंक यू सो मच प्यार और सपोर्ट देने के लिए। और हमारी एक और सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, जिनका नाम है रुमन पटेल, और ये भी बहुत दिन से हमारी वीडियो देखती हैं, हमेशा कमेंट करती हैं। तो सिस्टर आपको थैंक यू सो मच, आपने बोला कि आप अपने घर में पूरी फैमिली को दिखाया करो वीडियो में, अपने सास ससुर नंद देवर सभी को दिखाया कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से कभी कुछ छिपाती नहीं हूँ, जो भी है सच बताती हूँ और रियल लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जो वीडियो में नहीं आना चाहते उन्हें मैं ज़बरदस्ती नहीं लाना चाहती हूँ। जिन्हें बुरा लग रहा है मेरी वीडियो को, मैं वीडियो बनाती हूँ इस, यही बात सबको बुरी लगती है, तो फिर मैं वीडियो में वो मेरे कैसे आ सकते हैं, उन्हें मैं कैसे दिखा सकती हूँ। तो जितना हो सकता है मैं मेरी लाइफ स्टाइल अपने बारे में बताती हूँ, अपने बच्चों को दिखाती हूँ, अपने पति को दिखाती हूँ, जो आप पूछते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो हमारी एक बहन और है जिन्होंने पूछा है कि दीदी आपका बर्थडे कब होता है, तो हमें नहीं पता है सिस्टर, और आपका नाम मुझे याद नहीं है, ज़रूर आपका नाम मैं लेती। तो बातों बातों में देखिए हमने दीवार इतनी 2 ईंट उठा भी दी है, और अभी हम इसे और बड़ा करेंगे। तो माही हमारी यहाँ पे हेल्प कर रही है, हमें ईंट उठा करके दे रही है, और हम कच्ची मिट्टी के गारे से जुड़ाई कर रहे हैं ईंट। ये देखिए इतना हमने जोड़ दिया है, करीब 7-8 ईंट हमने ऊपर जोड़ दिया है, और लास्ट में फूटे फूटे ईंट बचे हैं, तो आधे ईंट होते हैं ना वो बचे हैं, तो इनको हम फिर से जोड़ देंगे लास्ट में। बस इतना ही हमें ऊपर करना है, क्योंकि ज़्यादा ऊपर हम दीवार उठा देंगे ना तो फिर दादी को खाना बनाते टाइम प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। तो सूरज की रोशनी इस साइड से आती है तो उनके चूल्हे में बहुत अच्छे से रोशनी रहती है, इसलिए हम दीवार को और उठाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे उजाला रहे इस बात का भी खास ध्यान रखना है, मतलब सब चीज़ें सोचकर अच्छे से करना है। और इसको मैं मतलब जो मिट्टी दिख रही है गारे की, हमने जो जुड़ाई कर दी है, इसे बड़ा आराम से हाथों से दबा कर, ज़्यादा हिलाना नहीं है क्योंकि टूट जाएगी दीवार और अभी गीली है। तो ये देखिए लास्ट में जो फूटे फूटे ईंट है ना, इनको हम जोड़ देंगे और बहुत अच्छी से मैं दीवार चिकनी इनको बनाने वाली हूँ। लेकिन ये जो माटी का काम है ना दोस्तों, एक लगातार नहीं होता है, एक दिन में धीरे धीरे हो पाता है।
तो आज हमने दीवार बना दी है और इसके दोनों तरफ आगे और पीछे दोनों तरफ हम मिट्टी भी लीप देंगे, पोताई छाप देंगे मिट्टी। फिर दो दिन बाद हम इस पे पीली मिट्टी लगाएंगे, लेकिन अभी हम गारे से कच्ची मिट्टी का जो गारा होता है उससे हमने ये दीवार खड़ी कर दी है। और पहले के ज़माने में बहुत हमारी मम्मी लोग बहुत बनाया करती थी, हमारे भी कच्चे ही घर थे मायके में। धीरे धीरे अभी ये सारे जो चीज़ें हैं ना वो कम होती जा रही हैं, लोगों के घर में पक्के मकान हो रहे हैं और जो कच्चा घर है ना वो धीरे धीरे गिर रहा है। तो जब गिर जाता है एक बार तो फिर लोग बनवाना भी नहीं पसंद करते, क्योंकि सबको आज के ज़माने में मिट्टी का मकान नहीं चाहिए, पक्का मकान सबको चाहिए। तो ये देखिए ये हम बना दे रहे हैं, और कच्चे मकान में जो सुकून है ना वो पक्के मकान में नहीं है। अभी यहीं पे है तो वो भी हमारी हेल्प कर रहा है, जहाँ हम जा रहे हैं हमारे पीछे पीछे भाग रहा है और इसकी शरारतें हर वक्त जारी रहती है। बहुत बार आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आप अपने सास ससुर नंद देवर को क्यों नहीं दिखाते हो, तो आज मैंने आप लोगों को ये सच्चाई बता दी है। तो बस यही सारे प्रॉब्लम है, जो वीडियो में नहीं आना चाहता है उन्हें हम ज़बरदस्ती खींच के वीडियो में नहीं ला सकते हैं, और बस जिनकी मर्जी है वो आते हैं, जिनकी मर्जी नहीं है उन्हें हम दिखाना भी नहीं चाहते हैं ज़बरदस्ती। तो ये देखिए अंदर से हमने दीवार पे हाथ पे दीवार पे थोड़ा सा हाथ रखा है, क्योंकि अभी अभी हमने जोड़ाई की है, अगर ज़्यादा प्रेशर देंगे हाथ से तो ईंट गिर जाएगा, तो इसलिए हाथ ऊपर से दबाते हुए आराम से अंदर हमने लिपाई कर दी है और बाहर भी लिपाई कर दी है। जल्दी जल्दी से काम हमने निपटा दिया दोस्तों, क्योंकि दीदी के यहाँ भी जाना है आज, तो वहाँ के लिए भी तैयारी करनी है। और आ गए हम ऊपर तो हमारी पूरी फैमिली यहीं पे है, तो बिस्किट अभी अभी माही के पापा लेके आए तो हम सबको दे रहे हैं, और माही बार बार बोल रही है एक और दे दो मम्मी, दो हमने दे दिया एक और दे दो मम्मी। तो बस इसकी ये ना बहुत चिढ़ाती है मुझे, और मतलब एक ही बात को बार बार बोलेगी, कितना भी डांटो हंसेगी, बार बार हंसेगी, तो मुझे भी इस बात से गुस्सा आ जाती है कि इसको कुछ भी बोलो कोई असर नहीं पड़ता है। कभी कभी मुझे हंसी भी आती है, लेकिन पीछे मुँह करके हंस लेती हूँ कि ताकि ये डर जाए। तो दोस्तों शाम के 6 बजने वाले हैं, 8 मिनट बाकी है, हाँ 5:52 है, तो हम निकलने वाले हैं, तैयार हो चुके हैं और भाई भी आके बैठ गया है, तो बस फटाफट से निकलते हैं, ज़्यादा रात नहीं करते क्या क्या दीदी, कहीं जाने लगते हैं तो हमारे बच्चे पैसा बहुत मांगते हैं। कितना भी चाहो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, लेकिन लंबा हो ही जाता है। और वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो में लाइक भी कीजिएगा फटाफट से तुरंत। चलिए स्टार्ट कर गाड़ी। तो आ चुके हैं हम बुआ के यहाँ, और यहाँ पे कथा भागवत थी, तो सबको प्रसाद दिए जा रहे हैं, जो लोग अभी आ रहे हैं सबको प्रसाद दिया जा रहा है, और हम भी यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो सारे लोग यहाँ पे दीदी बुआ की लड़की सारे लोग यही। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहुँचे हुए हमें करीब 15-20 मिनट हो गए, और ये हमारी बिटिया रानी हमें बिट्टो मिल गई। बिट्टो अपना तुम्हारा नाम क्या बता दो, और कुछ नाम है क्या, क्या नाम है, क्या नाम है, शानवी। अच्छा रिलेशन में जब भी कहीं कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है, हंसी मजाक बहुत सारी बातें होती हैं, कुछ पल के लिए हम अपने दुख तकलीफ सब कुछ भूल जाते हैं सबके साथ में रहकर, तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो रस्में रीति रिवाज हैं ये हम सबको आपस में जोड़ के रखते हैं, और एक दूसरे से बात करने का, एक दूसरे किसी का शिकायत मिटाने का मौका भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भाई लेके खड़ा है बाबू को, जिसका बर्थडे है, और ये इसका 3रा बर्थडे है, 3 साल का हो गया है। और भाभी यहाँ पे है, और ये पीली साड़ी में भाभी तैयार हो गई है। भाभी की ये पीली साड़ी ना मुझे बहुत बहुत पसंद आई है, और भाभी ना इस साड़ी पे बहुत सुंदर भी लग रही है। वैसे तो भाभी मुँह ढकी है, आप लोग तो देख नहीं पा रहे हो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए ये मुँह ढकी है, पर थोड़ा बहुत शायद अभी आप लोग देख लेंगे। तो काफ़ी जो है वो इंजॉय करने के बाद अब खाना खाने का टाइम आ गया, और खाना खा के तुरंत ही हम
घर के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी लेके नहीं है, सब अकेले हैं। चलिए आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।